Find the equation of the tangent and the normal of the following curve at the indicated point. चलिए तो पहले इस पे यहाँ पे theta equal to pi by 4, pi by 2 दिया है. हमें पहले point ले लेना होगा इसके लिए. फर्स्ट में देखिए x equal to में दिया है theta plus का sin theta और y equal to में दिया है 1 plus का cos theta at theta equal to pi by 2. तो अब हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि let x1 y1 be the point on the curve. ठीक है, तो यहाँ पर curve पे point है, इसका मतलब यहाँ पर x1 हो जाएगा theta यानी कि pi by 2 plus का sin pi by 2, तो sin pi by 2 1 होता है यानी कि pi by 2 plus 1 आ जाएगा, और y1 हो जाएगा 1 plus का cos pi by 2, तो cos 90 0 होता है, तो ये 1 ही रहेगा. चलिए तो हमें यहाँ पे मिल गया. नाउ हमारे पास x इक्वल टू में थीटा प्लस का साइन थीटा, y इक्वल टू में 1 प्लस कॉस थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 2, और एक और चीज हो गया यहाँ पे पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई 2 प्लस 1 कॉमा में 1, यही ना होगा जी. चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में 1 प्लस कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में माइनस का साइन थीटा. अब इसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. यहां से डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन थीटा बाई में 1 प्लस का कॉस थीटा. ये डी थीटा कैंसिल, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए साइन थीटा है तो इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक कॉस से कॉस और 2 से 2 कैंसिल. अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन बाई कॉस टेन थीटा बाई 2. चलिए अब ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ना कितना पर, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर देख लेते हैं, यानी कि माइनस का टेन पाई बाई 2 बाई 2, यानी कि माइनस का टेन पाई बाई 4 जो कि होता है माइनस का 1. चलिए अब इसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, y माइनस का y1 इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और इंटू में x माइनस का x1. चलिए y माइनस y1 का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर, x1 y1 का वैल्यू देख लेते एक बार, यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस 1 और 1, पाई बाई 2 प्लस 1 और 1, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस 1 एक्स माइनस का पाई बाई 2 प्लस 1. ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं. y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या चीज, माइनस का x प्लस का पाई बाई 2 प्लस का 1. अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं ना, सबको एक तरफ कर लेते हैं, x प्लस y ठीक है माइनस 1 माइनस 1 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू में 0, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस का 2 इक्वल टू में 0. इतना छोड़ दीजिए या एलसीएम भी ले सकते हैं, 2x प्लस का 2y माइनस पाई माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस का 2y माइनस पाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब चलते हैं अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरह, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू में माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू इंटू में एक्स माइनस का एक्स वन. तो वाई माइनस वाई वन का वैल्यू वन है और माइनस वन बाई इसका वैल्यू डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या आया है, माइनस का वन आया है, माइनस का वन आया है, और इंटू में एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू
है पाई बाई टू और प्लस का वन। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो कैंसिल, वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू और माइनस का वन, ये वन वन भी कैंसिल हो जाएगा। तो चाहो तो ये इधर इसको इधर कर देते, इसको इधर, तो पाई बाई टू इक्वल टू में एक्स माइनस का वाई, ये टू डिवाइड वाला तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू में पाई, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं।